नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मतगणना की पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में भोपाल महानगर के कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें कार्यकर्ताओं को कई जानकारियां दी। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि भाजपा ने मतदान के समय ही अपना आशीर्वाद दे दिया है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान एजेंटों को बताया गया है कि काउंटिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है। कल वही होना है जो जनता ने वोटिंग के दिन आशीर्वाद दिया है। भोपाल की जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार के शहर के विकास के कामों को, पिछले परिषद के कामों को आशीर्वाद दिया हुआ है। ये वोटिंग के दिन स्पष्ट हो गया है। कल वही काउंटिंग में उसकी पूर्ति होना है। काउंटिंग हॉल में हमारे जो एजेंट जाने वाले हैं, उन सब के साथ हमने चर्चा की है किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आज उन लोगों से चर्चा की है। अच्छा है ना, भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता ही नेता है और वो पूरी गंभीरता से काम करता है। भाजपा जिला अध्यक्ष अमित पचौरी ने बताया है कि बैठक में भोपाल शहर के कार्यकर्ता और प्रत्याशी मौजूद रहे, जिन्हें काउंटिंग के संबंधित जानकारी दी गई और काउंटिंग के साथ प्रयोग होने वाली किट भी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई। सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे, उन्होंने आपत्ति जाहिर करी थी। क्या लगता है सर कि इस बार बीजेपी का भोपाल में कितना सीटें जीतने के आपको समझ रहे हैं? सर देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, परिणाम कल आएगा, पर जनता ने भाजपा को अपना भरोसा दे दिया है। निश्चित तौर पर मालती राय जी ही भोपाल की महापौर बनेंगी और परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। कल हम सब लोग मिलकर आपको मिठाई खिलाएंगे। कार्यकर्ताओं को देखिए, आज चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बुलाए थे, चुनाव के बाद सामानता मेलजोल भी थी। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गिनती के समय सब पारंगत ही होते हैं, क्योंकि अनुभवी कार्यकर्ता हैं, पर फिर भी कुछ कार्यकर्ता इसमें नए थे, तो उनको उनकी क्या जिम्मेदारी रहने वाली, क्या उनको करना है। हमारी तरफ से किट दिया गया है, कैसे अपने बूथ पर बैठकर सारी जानकारियां लेनी है, किसी प्रकार की समस्या है तो ARO से संपर्क करना है, अपना स्थान नहीं छोड़ना। सामान्य प्रक्रिया की ये बैठक थी। क्या लगता है कितने भाजपा के प्रत्याशियों ने समय जगत से चर्चा में बताया कि 85 वार्डों में से लगभग सभी वार्डों में भाजपा जीतेगी, साथ ही भाजपा का ही महापौर विजयी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी एजेंटों को चुनाव के संबंध में निर्देश दिए हैं कि हम मतगणना के समय किन किन सावधानियों को बरतें, समय पर पहुंचें। इस प्रकार की बहुत सारी पार्टी की जो अपनी नीतियां थी उनसे अवगत कराया और कार्यकर्ताओं को सतर्क रह के अच्छे मन से मतगणना स्थल पर समय पर पहुंचने का आग्रह किया है। नहीं, अच्छा है, भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिला जनता का। जनसंपर्क के दौरान जितना प्रेम और स्नेह मिला है और वो मैं उन जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया मुझे। भोपाल में भी ओवरऑल हम जब देखते हैं तो जो पब्लिक पल्स निकल के आती है वो भारतीय जनता पार्टी के महापौर के भारी मतों से विजयी श्री, और परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत अधिक पार्षद जीत के आ रहे हैं, बड़ी संख्या में जीत के आ रहे हैं, ऐसा जनता का आशीर्वाद सबको मिला है, ये निकल करके अभी तक आया है। धन्यवाद। राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन मतगणना के बाद ये साफ हुआ कि आखिर जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। जी देखिए, जिस तरफ से कश्मीर से लेकर गुवाहाटी तक भाजपा का माहौल है, सच तो यही है। वो जिन जिन राज्यों में भाजपा कांग्रेस की सरकार थी वो भी पूरी उखड़ गई। वो भोपाल राजधानी की बात करें तो सांसद हों, विधायक हों, सबके सब भाजपा से हैं। लगातार महापौर भी भाजपा से ही है, पार्षद भी भाजपा से ही। मैं भी दो बार पूर्व में पार्षद रहा, तो निश्चित तौर पर भारी संख्या में, भारी बहुमत के साथ कल हमारे भाजपा के पार्षद जीत के आ रहे हैं। और सबकी राय मालती राय जी भी जो महापौर प्रत्याशी हैं वो भी भारी बहुमत से कल जीत के आ रही है। कल जो नगर सरकार बनेगी कल के बाद से वो भाजपा की बनेगी, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। खबर समय जगत से कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.